अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कुरान पाक की सूरह अल जिलजाल के अंदर इरशाद फरमाती है, जब हिला दी जाएगी ज़मीन भोंचाल से और निकाल फेंकेगी ज़मीन अपने अंदर के बोझ और कहेगा इंसान उसको क्या हुआ है, सरोज़ वो बयान कर देगी अपने हालात, क्योंकि तुम्हारे रब ने हुक्म भेजा उसको इस बात का। उस दिन आएंगे कि लोग गिरो दर गिरो ताकि दिखाए जाएं उनको उनके आमाल, तो जिसने की होगी जर्रा भर नेकी वो उसको देख लेगा और जिसने की होगी जर्रा भर बुराई वो उसको देख लेगा। हमारे आज के इस वीडियो क्लिप में आपको तीन फुटेज दिखाई जाएंगी, जिसमें सबसे पहली फुटेज एक मस्जिद की है जिसमें नमाज पढ़ते हुए लोगों ने अचानक से जलजला देखा और अपनी पहली सफ छोड़कर भाग निकले। पता चला कि ये लोग नमाज को सिर्फ रस्मन अदा कर रहे थे, इनके दिलों में खुदा की मोहब्बत होती तो ये नमाज छोड़कर कभी ना भागते। दूसरे क्लिप में देखा जा सकता है कि एक इमाम साहब हैं जिनका अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर अकीदा यकीन बहुत पुख्ता है और जलजले के बावजूद वो खड़े रहे और तिलावत करते रहे, आयतुल कुर्सी की आयात जो है वो पढ़ते रहे। और तीसरे क्लिप के अंदर आप ये देख पाएंगे कि एक और मस्जिद है जिसके अंदर इसी तरीके से जलजला आया और लोगों की दौड़े लग गई, लेकिन ये जलजले कुछ नहीं है दोस्तों। असल जलजला जिस दिन आएगा, जिसका जिक्र कुरान पाक में है, उस दिन किसी का क्या बनेगा, ना तो आपकी रिश्तेदारियां काम आएंगी, ना आपका मालो जर और ना आपके ताल्लुकात। उस दिन आप अपना नामे आमाल अपने हाथ में पकड़कर खुदाए बुजुर्गो बरतर की बारगाह में पेश होंगे और सिर्फ वही शख्स निजात पाएगा जिसके पास अल्लाह पाक की जात की तरफ से निजात आएगी। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह अकबर।